क्लिप देखा तो मैं दांत देख लेना कैसे लगे, चुकंदर खा लिया अच्छी खासी सका ले लेकिन लिपस्टिक लिपस्टिक पूरे मुंह में तेल अलग चला गया। बेटा जी अपने जूते उठाइए यहाँ जल्दी। उस वक्त हम जल्दी जल्दी में आए थे, मुझे अपने ब्लॉग एडिट करना है तो मैंने यहाँ रखे थे, पूरा ही साफ करके आपसे मिलती। फाइनली फ्रेंड्स सब कुछ सेट कर लिया, अब फ्रेंड्स फाइनली पूरा रूम क्लीन हो गया। एक दो दिन से रोज बाहर बाहर जाने में टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम लोग रहते मीरा रोड में, और मीरा रोड से अगर आप अंधेरी है उससे जाओ ना तो कम से कम 2-3 घंटा जाना, 2-3 घंटा आना, फिर वहाँ पे जो काम है आके एनर्जी नहीं रहती। लेकिन अब रूम जब क्लीन हो जाता है फिर अच्छा लगता है। रूम सेट है मतलब लाइफ सेट। अभी क्लीन किया और अभी ये शर्ट ऐसे ही रख दी। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके, जहां मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अलहमदुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज हमें जाना है मुमरा रेडी हो रही थी, मैंने ये खरीदा नया, इससे बहुत हेल्प हो जाती है लेकिन इसे खरीदने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। फ्रेंड्स ये सबसे सस्ता लिया था मैंने सेफोरा में, जो की आया था 1100 रुपए का, और अगर बड़े ब्रांड का ले रहे हैं तो 4000-5000 का आया था इससे बड़ा वाला। मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी, मैंने कहा आपकी दुकान में सबसे सस्ता कौन सा है, तब भी 1100 का। 1100 रुपए में गद्दा आ जाएगा, ये क्यों महंगा होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन काम का जरूर होता है। आजकल रोज कोई ना कोई शूट है और रोज ही मेकअप करना पड़ रहा है, इसलिए 3-4 दिन से इतना हेक्टिक शेड्यूल है सभा का, सुबह जाना शाम के आना, सुबह जाना शाम के आना, और जब पसीना निकलेगा तो फिर पूरा बह जाए। सरदार जी जल्दी चलो, मुझे क्यों लगी जाने के लिए अलराना वालों की शॉप पे जाने के लिए, और ये आउटफिट भी उन्हीं की तरफ से आया है। तो ये हैम्पर हमने अनबॉक्स कर लिया था, फ्रेंड्स कल एग्जीबिशन है 9 मार्च को, रमजान एग्जीबिशन और फिर साथ साथ वुमेंस डे सेलिब्रेशन, तो उसमें हमें इन्वाइट किया गया है, ये सारी चीजें आई थी। तो ये इन्विटेशन कार्ड आया है, चॉकलेट्स आई है बीबी लग्जरी चॉकलेट से, थैंक यू सो मच हबीबा। अम्मी जो हमारा अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक नहीं, अम्मी के थोड़ा सा पेट में दर्द था, अम्मी ने होटल में थोड़ा ज्यादा खा लिया, कालिया मटन ज्यादा खाया था ना, कालिया मटन। चलो 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 गाड़ी में चलो चलो, मेरे पास ना करो करते सन अल्लाह चलो। अरे दूसरी बेटी का है, बेटी लेके चलिए, खालू से बात कर रहे हैं, बेटी खाला की कौन कर रहा है, खालू से बात कर रहे हैं। नहीं वो कच्चा है तो उसको सीटी लगा रहा है, कटहल कच्चा नहीं है। अच्छा कटहल की याद आ गई, कल सोच रहे हैं कि कल रमजान की तैयारी भी कर लेते हैं, अब रमजान के एक दो दिन ही बचे हैं एग्जीबिशन में, दोनों साथ में कर लेंगे, सुबह निकलना पड़ेगा लेके। निकले ये जमशेदपुर की चूड़ियां हैं, अच्छी लग रही है अम्मा, तो चलो अभी जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं शाम को, बाय। क्यूट सी बच्चियाँ मिल रही है, बिहार बिहार से आई हुई है लेकिन आज जा रही है, आना फिर से माशाल्लाह। हम इसे एक दो बार मिले लेकिन इससे इतना अपनापन सा लग रहा है, मुझे जा रही है तो मुझे लग रहा है कोई घर का जा रहा है, थोड़ा सा लेट होता आप तो चली जाती है, वो ही तो देखो किस्मत में था हमें, चलो आना फिर से, बाय बाय बेटा। ये क्या रखवाया आपने, ये है संतरा तेरे और इसमें अंगूर है, पानी बोतल, थैंक यू। आप फर्स्ट टाइम आए मुमरा? हाँ, फोटो भी लगी हुई है। लिखा है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय मॉम्स बिजनेस और हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी। ये सारे लोग इंस्पिरेशन है वुमेन्स के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करके इतना आगे तक पहुंचाना, और आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ा वुमेन्स डे का इंस्पिरेशन है। हमने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए तो ले लिया है, लेकिन रमजान में हमें ये है कि जितना हम पहने और जरूरतमंद लोगों को भी दे, तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ से ये ले लिया बहुत सारे कलर। यहाँ पे ऊपर मजार है फ्रेंड्स, सब कहाँ है, आज बड़ी खुश हो तुम, खुश रही हो, एग्जाम चल रहा है, बहुत कम हंसती हुई दिखती है, मुझे लग रहा है महीनों बाद इसके चेहरे पे हंसी आई होगी जो दिल से आई है, गर्म पानी निकलता गीदर ऑन होगा ना इसलिए, तो फिर ऊपर से अम्मी क्या खाओगे, क्या बना दो, अभी आज नहीं खाऊंगी खाना, खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बनाएंगे, बहुत दर्द कर रहा है, गोली बनवाएंगे देख, तो फिर सर आज बिरयानी कैंसिल, आज अम्मी के लिए बिरयानी बनाने जा रही थी, नहीं नहीं फिर अम्मी फ्रेंड्स अभी मैं पी रही हूँ चाय, बेचारी अम्मी चाय नहीं पी रही है। आज के व्लॉग में सबा इब्राहिम ने रमजान से पहले की शॉपिंग शेयर की, जिसमें अपने हेल्पर्स के लिए या कुछ जानने वालों के लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग की, और वो गई थी एक बुटीक की ओपनिंग में या फिर उसके फंक्शन में, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी और अपने सबका ध्यान रखा, उसके साथ साथ वो स्काई ब्लू और रेड कलर के हिजाब में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।